सब लोगों को इंतजार था, लगभग 4.5 महीने हमारी सबकी प्रिय क्षमा जी हमसे दूर रही, और सबसे ज़्यादा समय जो मुश्किल वाला शायद अंतिम जो 2 सप्ताह का वो रहा होगा मेरे के लिए भी, अपने आप को रोक पाना, इन बच्चों से मिलने का जो भाव था वो इन्होंने आते ही सब कुछ मैं कर पाई उसके पीछे, मतलब हमेशा कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल मेल के पीछे एक फीमेल का हाथ होता है, तो मेरे लिए थोड़ा वाइस वर्सा है, उल्टा है। मैं मानती हूँ कि मेरा जितना भी सक्सेस है उसमें मुख्य रूप से 2 पुरुषों का बहुत ज़बरदस्त हाथ है, एक बाऊजी जिनका आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है, या जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है उस दिन से, तब तो मैं पुत्रवधू नहीं थी और तब से उन्होंने हर चीज़ के लिए प्रमोट किया, और डेफिनेटली मेरे लाइफ पार्टनर राकेश हाउस का, क्योंकि आप जब 4 महीने के लिए घर परिवार को छोड़ के जाते हैं और एक हमारा जो एक राजस्थान का परिप्रेक्ष्य है, जो हमारा एक कल्चर है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है जो आपको निर्वाह करनी पड़ती हैं, तो एक उस तरीके से प्रमोट करना, एक होता है कि आप जाते हैं तो आपको ब्लेम होता है कि भाई तुम घर परिवार छोड़ के चले गए या उस तरीके से, और इस 4 महीने में उस तरीके की कभी बात नहीं आई कि भी मुझे ब्लेम किया गया कि भाई तू तो अपना देख रही है या तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वाली चीज़ है। तो एक उस तरीके का जो प्रमोशन है उसकी वजह से शायद मैं ये कर पाई। उसके बाद जो दूसरा थैंक्स है वो मेरे बच्चों के लिए है कि डेफिनेटली काफ़ी लंबे समय तक उनको पता है कि मम्मी जाती है बाहर, पर हाँ उन्होंने उस चीज़ को मैनेज किया, थोड़ा लंबा समय था मेरे लिए भी और उनके लिए भी वो है, और मैं आज जिस जगह पर गई उसमें सबसे बड़ा हाथ आप सब का है। जाना ये संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ भले मैं गई हूँ पर उसका जाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो हमारा काम था, जिस तरीके से हम लोग सब काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास उनके साथ कर रहे हैं, और शायद अगर मैं एक फैमिली को अगर बताती हूँ कि उनके सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर सकती थी, उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेक है मेरे वहाँ जाने का, वहाँ उस काम को करने का या वहाँ रिप्रेजेंट करने का, वो पूरा RMKM का स्टाफ है, और कोई उसका स्टेक लेने का मतलब किसी भी सूरत में वो स्टेक वो मेरा भी नहीं है, वो आपका है। हम सब ने जो काम किया उस काम को जब प्रदर्शित किया, क्योंकि एक क्षमा या एक राकेश हम काम नहीं कर सकते हैं, हम सबका जो काम था उसको एक ज़रूर रिप्रेजेंट मैंने किया, पर अगर मैं वहाँ जो कुछ भी बोली हूँ, जो कुछ भी किया है, अगर मैंने स्कूल की प्रैक्टिसेस के बारे में बोला है, मैंने कक्षा कक्ष के बारे में बोला है, मैंने अपने कल्चर के बारे में बोला है, वो सब कुछ जो आप करते हैं कक्षा कक्ष में उसको मैंने बताया है, जो आप CBR में करते हैं उसको मैंने बताया है, तो मैंने सिर्फ आपके काम को वहाँ जाके रिप्रेजेंट किया। मेरी ये आशा है और मेरी ये इच्छा है
कि सिर्फ मैं उस फुल ब्राइट प्रोग्राम में जाके आई, ऐसा नहीं हो। आप सब में वो क्षमता है, जिसकी भी इच्छा है कि भी आप चाहते हैं कि मैं फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करूं, तो उसका फॉर्म भरने में मैं पूरी आपकी मदद करूंगी। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी उसमें शामिल हो। कोई भी काम जो है वो हम जब तक करते नहीं हैं तब तक हमें ऐसा लगता है कि भी हम इसको नहीं कर पाएंगे, पर जब हम उसको करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। और हमने ये बहुत बार, मतलब पिछले 20 सालों में हमारे साथ संस्था में जब हम काम कर रहे थे, हमारे साथ बड़े ऊंचे नीचे बहुत सारी चीज़ें हुई, और हमने उन सारी चीज़ों से जब निकल के आए तब हमको ये लगा कि काम एक तरीका होता है कि अगर हम उस चीज़ को किस तरीके से कर पाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा रहा। अनुभव की बात करें तो मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा मेस्मराइज किया, जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा भौचक्का किया, वो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। कि बाकी सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उसके अनुसार हम लोग इंक्लूजन बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ या गैर विकलांग बच्चों के साथ जिस प्रकार से कक्षा एक से ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, मुझे लगता है कि हमें अब उस दौर पे या उस तरीके से चलने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे टेक्नोलॉजी को हमारे काम में यूज़ करें, और उसका यूज़ करने से बहुत सारा काम हमारा आसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, तो वो एक छोटी समझ बनी है। मुझे भी उसमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। इस चार महीने में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी, बट डेफिनेटली उसको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि हम सब भी, क्योंकि भारत में सबसे, भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा यूज़र्स फेसबुक के भारत में हैं, सबसे ज़्यादा यूज़र व्हाट्सएप के भारत में हैं, सबसे ज़्यादा यूज़र इंस्टाग्राम के भारत में है। तो इसका मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ तो कर रहे हैं पर उसको प्रोडक्टिवली हमारे काम के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। उस थोड़ा सा हमें हमारे स्टूडेंट्स लेवल पे, हमारे शिक्षक लेवल पे, हमारे स्वयं के लेवल पे, जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं और तब तक हम हमारा खुद का स्वयं का विकास उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट से भी सबसे यही आशा है कि हम सबके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है, उस एंड्रॉयड फ़ोन में सबके पास जीमेल अकाउंट है, उस जीमेल अकाउंट में बहुत सारे जीमेल फीचर्स है, उसको यूज़ करना शुरू करें। डेफिनेटली हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे। मेरा ये नेक्स्ट साल का जो पूरा प्लान है वो यही है कि हम लोग बच्चों के साथ इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमारे शिक्षक उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो ये रहेगा। पर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल मतलब जिस तरीके से आपने स्वागत किया वो मेरे लिए लाइफ टाइम एक याद रहेगी, और मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि मैं, मेरे पास अभी सच में शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद के लिए क्या कहूँ, पर सिर्फ ये कहूँगी कि आज अगर मैं वहाँ थी या आज जो भी मैंने वहाँ किया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ा जो पिलर है या फाउंडेशन है वो आप सब हैं, और आपकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाई। उसके लिए धन्यवाद मैम।